अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे जन्नत मिर्ज़ा के एक पाकिस्तान पहुंचने पर उमर भट्ट ने उनका किस तरह से वेलकम किया और किस तरह से उनको फ्लावर्स और क्या कौन कौन सी चीज़ें गिफ्ट की वो आपको दिखाएंगे। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें। जैसे कि आप सब जानती हैं कि कुछ अर्सा पहले जन्नत मिर्ज़ा अपनी दोनों सिस्टर्स के साथ जापान गई थी। तकरीबन 5 माह पहले की बात है जब वो जापान गई थी और फाइनली वो वापस आ गए। लेकिन इससे पहले जब वो जापान गई थी तो कुछ रूमर्स लोगों ने इस तरह के फैलाए थे कि जन्नत मिर्ज़ा अब जापान ही रहेंगी, वो वापस पाकिस्तान कभी नहीं आएंगी। यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल्स पर भी ये बात पहुँच चुकी थी कि जन्नत मिर्ज़ा जापान शिफ्ट हो चुकी हैं। लेकिन जन्नत ने लाइव आके अपने फ्रेंड्स को बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, जापान में भी उनका एक घर है जहाँ पर रहना और जाना उनकी मजबूरी है। तो वो जापान इसलिए जाती हैं कुछ अर्से के लिए, फिर उसके बाद वापस पाकिस्तान आ जाती हैं। तो इसी तरह इस बार भी जन्नत मिर्ज़ा पाकिस्तान से जापान गई थी और न्यू ईयर उन्होंने वहीं पर सेलिब्रेट किया था। लेकिन उनके फ्रेंड्स चाहते थे कि 14 फरवरी वो यहाँ पाकिस्तान में उमर भट्ट के साथ सेलिब्रेट करें, तो इसलिए वो पाकिस्तान वापस आ गए। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को पहले बताया था कि 14 फरवरी से पहले ही वो पाकिस्तान आ जाएंगी। तो फाइनली वो पाकिस्तान वापस पहुँच चुके। तो जन्नत के पाकिस्तान पहुँचने पर उमर भट्ट लेने के लिए गए थे जन्नत मिर्ज़ा को एयरपोर्ट। वहाँ पर उन्होंने उनको एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ दिया था, एक बहुत ही प्यारा सा बुके दिया था, इसके अलावा एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दिया था जिसको बाद में जन्नत मिर्ज़ा ने अपने फ्रेंड्स को दिखाया था, जिसमें बहुत सारी चॉकलेट्स और एक टेडी बेयर जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके बाद उमर भट्ट जन्नत मिर्ज़ा के घर पर ही रहे थे, आप देख सकते हैं उनके साथ खाना शाना खाया था उन्होंने। उसके बाद वापस नेक्स्ट डे वो अपने घर लाहौर वापस गए थे। इसके अलावा जन्नत मिर्ज़ा अपने पाकिस्तान वापस पहुँचने पर बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने अपने घर का भी कुछ हिस्सा अपने फ्रेंड्स को दिखाया था और उन्होंने अपनी एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि फाइनली घर की रोटी खाने को मिलेगी।